के व्लॉग में मैंने कहा था कि हम चिंतपूर्णी से जा रहे हैं बाबा बालकनाथ, लेकिन बाबा बालकनाथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि वहाँ पे जब हम पहुँचे और वहाँ पे हम मत्था टेकने के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि हमसे दर्शन हो नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे लाइन में लगने में 3 से 4 घंटे लगने थे दर्शन करने में, क्योंकि वहाँ पे मेले चल रहे हैं और रश काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से हम बाबा बालकनाथ से सीधा आगे चमुंडा देवी, अभी हम चमुंडा देवी पहुंच गए हैं और रूम हमने ले लिया है, और कल सुबह यहाँ से दर्शन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि रात को मैंने बताया था आपको कि हम बाबा बालकनाथ से चमुंडा देवी आ गए हैं। देखिए, रात को हम खाना वगैरह खा के सो गए थे, काफ़ी थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थकावट होती, क्योंकि पहले वहाँ से चिंतपूर्णी से हम बाबा बालकनाथ आए थे, फिर बाबा बालकनाथ 123 किलोमीटर यहाँ पे हम शाम को पहुँचे हैं, शाम को नहीं रात को पहुँचे हैं, 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं रात को। रात को खाना वगैरह खाया, रूम लिया, और रूम हमारे बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, रूम हमने ले लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर का गेट, आप देख रहे हो यहाँ से सीधे मंदिर का गेट है। प्रसाद वगैरह लेके यहाँ से मत्था टेकेंगे, फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ से हमारा प्लान है आगे जाने का पालमपुर बीरबलिंग, और यहाँ पे पालमपुर से आगे है बैजनाथ। बैजनाथ काफ़ी फेमस मंदिर है शिव जी का, आपने सुना होगा, और मैं इस साइड पहली बार आया हूँ। बाबा बालकनाथ यहाँ पे जो चमुंडा देवी और बैजनाथ इस साइड जो बीरबलिंग में पहली बार जा रहा हूँ, तो सुनने में काफ़ी आया कि पालमपुर की साइड और बैजनाथ काफ़ी अच्छा शिव जी का मंदिर है, और बीरबलिंग में काफ़ी अच्छे व्यू हैं, वहाँ पे हाइट पे है, और वहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग करने काफ़ी लोग आते हैं, जिनको पैराग्लाइडिंग का शौक है, जो एडवेंचर वगैरह काफ़ी पसंद करते हैं, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा सीन है। अभी यहाँ से फ़िलहाल थोड़ा सा रात की जो थकावट है थोड़ी सी उतर गई है, अब फ्रेश होके नहा के सबसे पहले मत्था टेकेंगे यहाँ पे चमुंडा देवी में, मत्था टेके नाश्ता करके। हमारा ये आइडिया है कि हम 10 बजे से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, तभी हमारा जो आगे का जो सफ़र है ऑन टाइम रहेगा। तो वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, हम यहाँ से रेडी होके निकलते हैं मत्था टेके, फिर आपको मैं आगे आगे अपडेट करता रहूँगा कि हम कहाँ पहुँच गए और कैसा आगे का सीन है। यहाँ पे हमने चमुंडा देवी के सामने हमने रूम लिया था, अवस्थी होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल जो चमुंडा देवी के मंदिर के हम रास्ता जाता है उसके बिल्कुल सामने ही है, और मैं आपको कुछ रूम का ओवरव्यू दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा रूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल मंदिर के सामने आप रेडी वगैरह होके साथ ही जा सकते हो, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। जैसे आप सामने देख ही रहे हो वीडियो में, बिल्कुल सामने गेट है, वहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं, और सामने जाके आप जा सकते हो। तो मैं आपको रूम का थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ, और देखिए आपको कैसा लगा। अगर आपने दोबारा कहीं भी आना होगा यहाँ पे चमुंडा देवी, तो आप इस होटल को रुक के यहाँ पे इसकी सर्विस ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम रेडी होके यहाँ से निकलते हैं, और फिर आपको आगे अपडेट करता रहूँगा कि कैसा आगे का सीन है हमारा।
तो गाइस अभी हम रेडी हो गए हैं और मंदिर में मत्था टेकने जाने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं टेरिस का व्यू दिखा दूं। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है, ये देखिए। यहाँ से बड़ी ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। क्या बात है, डेली ऐसा व्यू मिले तो कितना अच्छा हो। ये देखिए, ये मेन मंदिर का रास्ता है। यहाँ से ये देखिए सारा, आपको थोड़ा सा पहाड़ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बात है, एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, जो जो चैनल पे नए हैं, जो वीडियो मेरी पहली बार देख ले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मज़ेदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको और अच्छी अच्छी और मज़ेदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक है, ठंड नहीं है, धूप तेज़ है। आगे जाएंगे जहाँ पे, वहाँ देखेंगे पालमपुर में और बीरबलिंग में क्या मौसम कैसा है, टेम्परेचर वगैरह कैसा है। यहाँ तो टेम्परेचर वगैरह ठीक है, टी शर्ट डाली हुई है, ठंड तो नहीं लग रही है। यहाँ पे बेसिकली शाम को और सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर को मौसम ठीक हो जाता है थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। देखने, ये देखिए मार्केट, काफ़ी अच्छा व्यू है मार्केट का, काफ़ी दुकानें वगैरह लगी हैं अच्छी अच्छी यहाँ पे इतना वगैरह रश नहीं होता, आराम से आप दर्शन कर सकते हो। ये इसका मेन मंदिर है, ये देखिए आपको नज़र आ गया होगा गाइस। ये देखिए यहाँ पे माउंटेन व्यू, ज़बरदस्त। दोस्तों ऊपर बर्फ वगैरह लगता गिर रही है। ये देखिए हमारे खतरनाक फोटोग्राफर माउंटेन देखते ही शुरू हो गए। देखिए ये देखिए, ये है मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ से देखिए देखते हैं कितना आगे तक, तो आई थिंक इधर से वो वहाँ तक है रास्ता। तो चलिए भाई चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे उतारने हैं जूते, जूते उतार चलते अंदर। कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है। यही मंदिर है, यही अलग। दोस्तों ये है मेन मंदिर जहाँ पे मत्था टेकना है। यहाँ पे झरना भी चल रहा है, पानी आई थिंक कम है थोड़ा सा। भाई साहब क्या देख रहे हो आप? एक नज़ारा है, ये कह रहे हैं नज़ारा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल भी बना है और यहाँ पे झरना वगैरह चलता है, पर पानी अभी कम है। ये मेन मंदिर है। काफ़ी खुला मंदिर बना, काफ़ी बड़ा मंदिर है। अंदर
कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, थोड़े से मैंने फिर भी बाहर से वीडियो बना लिए। तो गाइस देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पे ये नहाने के लिए यहाँ पे आई थिंक शायद कोई जगह बनी होगी, पर अभी यहाँ पे पानी डाला नहीं है कोरोना की वजह से, शायद इसी वजह से यहाँ पे खाली किया गया। तो लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और वहाँ भी देखिए झरना चल रहा है, भाई आपको इधर से जाके कुछ व्यू दिखाता हूँ। पानी थोड़ा कम है पर फिर भी काफ़ी है। ये छोटा सा पुल बना है उधर जाने के लिए, वहाँ बैठने की जगह है थोड़ी। इतनी रिस्की है, वहाँ से पानी बहुत तेज है। यहाँ पे व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये पुल बना है यहाँ पे और यहाँ से पूरा टॉप व्यू मिल रहा है। यहाँ पे देखिए झरना जो है पूरा खतरनाक व्यू मिल रहा है। एंड से भी एंड देखिए सभी फोटो कितने लगे हैं। पानी तो अभी कम है पर फिर भी काफ़ी कम, लेकिन बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर। और ये देखिए माउंटेन व्यू पूरा सुपर। तो भाई अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बस फोटो वगैरह खींच लिया, घूम लिया, मक्खा देख लिया।